कौन सी जगह से सर ये आपका संघ आया है? सोंडा गद्दी है अंबाला के पास। अंबाला के पास सोंडा गद्दी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समय की बात करूं तो दोस्तों 10 बज चुके हैं और जो हेलीकॉप्टर है वो आप आसमान में यहां देख पा रहे हो। ये देखिए दोस्तों आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो आसमान में आ चुका है और इसी के साथ बागड़ की धरती पे उपराष्ट्रपति का आगमन है वो हो चुका है। ये पीछे बागड़ धाम का दृश्य है, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों प्रोटोकॉल होने के कारण यहाँ की सभी दुकानें बंद है, एक ये दुकान खुली है जिसके अंदर से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ। दोस्तों एक हेलीकॉप्टर और आ चुका है और इसके पीछे एक और, तीन हेलीकॉप्टर है वो सेना के यहाँ पहुंच चुके हैं। और हेलीपैड की बात करें तो दोस्तों जो पार्किंग स्थल है वहाँ ये हेलीकॉप्टर उतरने वाले हैं। एक आगे उतर चुका है और दो आसमान में आप सामने देख पा रहे हो। ये देखिए दोस्तों, चलिए जूम करके आगे दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जो समय दिया गया था प्रशासन की ओर से वो राइट समय पे यहाँ जो हेलीकॉप्टर है वो आ चुके हैं, मतलब कि 10:10 पे जो गाड़ियां है वो मंदिर के बिल्कुल सामने आ जाएगी और 10:55 पे ये हेलीकॉप्टर है वापिस रवाना हो जाएंगे। तीन उतर गया। ये देखिए दोस्तों जो पीछे पार्किंग स्थल है वहाँ ये हेलीकॉप्टर लैंड होने के लिए आ चुका है और जो भीड़ है दोस्तों वो भक्तों की आप मंदिर के आजू बाजू देख रहे हो। कुछ देर के बाद यहाँ पूरा का पूरा ग्राउंड है वो खाली करवा दिया जाएगा और ये देखिए आसमान में धूल उड़ते हुए पार्किंग स्थल है, वहाँ काफी धूल उड़ रही है और जो भक्त है दोस्तों उन सबको यहाँ रोक दिया गया है। ये देखिए इस साइड का भी दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरी की पूरी दुकानों के आगे जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ की हुई है और कुछ देर के बाद दोस्तों सामने जो ग्राउंड में जितने भी आपको यहाँ भक्त पहुंचे हुए नजर आ रहे इन सबको बाहर कर दिया जाएगा, एक भी व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आने वाला। और एक नन्ना भक्त दोस्तों मेरे बिल्कुल बाजू में यहाँ बाबा के दर्शन के लिए इंतजार में सो रहा है अभी। और ये पीछे का नजारा दोस्तों, और दोस्तों एक पीछे ट्रक आ रहा था उसको वापस मोड़ दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। ये देखिए भक्तों से भरा हुआ यहाँ एक ट्रक पहुंचा था। ये देखिए दोस्तों जितने भी भक्त हैं उन सबको बाहर किया जा रहा है अभी प्रोटोकॉल को देखते हुए। दोस्तों 10:07 हो चुके हैं और यहाँ की जो पुलिस है वो चुकन्नी हो चुकी है, मतलब 2-3 में यहाँ जो काफिला है वो पहुँचने वाला है और कुछ बच्चे दौड़ते हुए बीच में आ रहे हैं। वो क्या दौड़ मारूंगा क्या? कोई आओ मार गए, दौड़ मार गए। हाँ गए वो, सही गए वो, सही गए वो। प्रोटोकॉल है मक्खी को न्यास के बीच में। और दोस्तों जो काफिला है वो पहुंच चुका है, आप सामने एक गाड़ी देख पा रहे हो और इसके पीछे काफी गाड़ियां आ रही है, मतलब रेड कलर का जो झंडा है उसकी गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है, मतलब रास्ता है वो क्लियर है। और ये देखिए जो उपराष्ट्रपति है उनका काफिला बागड़ धाम पहुंच चुका है। 10:10 का जो टाइम दिया गया था वो राइट टाइम पे ये काफिला यहाँ मंदिर पे इंटर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों जो गाड़ी आप देख पा रहे हो जो सीधी ऊपर गई है उसी में उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हैं। ये देखिए जो बॉडीगार्ड है Z+ सुरक्षा है वो सबके सब मंदिर में भागते हुए आप देख पा रहे हो, लेडीज जेंट्स सब बढ़िया। और ये अभी जो गाड़ी आ रही है दोस्तों ये कलेक्टर की है, हनुमानगढ़ जिला पुल अधिकारी। काफी लंबा काफिला इनके पीछे गाड़ियों का यहाँ आया हुआ है।
दमकल, एम्बुलेंस और पुलिस की काफ़ी गाड़ियाँ। ये देखिए कलेक्टर साहिबा जाते हुए, और पत्रकारों का काफी बड़ा काफिला है, वो मंदिर की ओर बढ़ रहा है। और ये पीछे का दृश्य दोस्तों, एक एम्बुलेंस यहाँ आके रुकी है सामने पीपल के पेड़ के नीचे। इसके अंदर दोस्तों जो इमरजेंसी डॉक्टर है वो रहते हैं। डॉक्टर टीम, चलिए अंदर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर क्या कुछ हो रहा है मंदिर के। ये देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर है वो यहाँ अभी नीचे उतरे हैं। मंदिर के बिल्कुल नजदीक तक ऊपर तक सिर्फ उन्हीं की गाड़ी गई है और एक दो पुलिस की गाड़ियां हैं, वो बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं आप सामने देख पा रहे हो, जो मंदिर के आगे का परिसर है उसी में रुकी हुई है। और ये पीछे बागड़ का नजारा दोस्तों, मंदिर में पूजा है वो लगभग आधे घंटे चलने वाली है और उसके बाद जो काफिला है वो वापिस हेलीपैड की ओर वापिस रवाना हो जाएगा। ये देखिए काफी पीछे तक गाड़ियां हैं, वो काफी रुकी हुई है और काफी गाड़ियां अभी भी आ रही है। ओम जय तीर्थानि प्रजलन्ति त्रिकास्तानि गङ्गिणः
तो दोस्तों अंदर पूजा अर्चना है वो हो चुकी है और अभी उपराष्ट्रपति जी वापिस बाहर आने वाले हैं मंदिर से। यहाँ जो चहल पहल है वो वापिस स्टार्ट हो चुकी है। पूरे थाने पे साड़ों का बंद पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों जो अंदर जितने भी अधिकारी थे वो सबके सब बाहर निकलने मंदिर से स्टार्ट हो चुके हैं। ये मैं आपको आगे का दृश्य जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों जो पुलिस लगी हुई है मंदिर के बाहर उन्होंने अपनी पोजीशन है वो ले ली है। ये देखिए गाड़ियों में पुलिस है वो बैठना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो डॉक्टर की टीम है दोस्तों वो भी एम्बुलेंस में वापस सवार हो चुकी है। आप देख रहे हो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म के साथ बागड़धाम से लाइव दृश्य महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनकर का जो दौरा है वो आज बागड़धाम में दर्शन के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों कुछ ही पल में जो गाड़ी है वो मंदिर के नीचे आने वाली है। अभी एक गाड़ी पुलिस की और दूसरी जो उपराष्ट्रपति जी है उनकी जो गाड़ी है वो मंदिर के बिल्कुल ऊपर है। और दोस्तों कुछ पत्रकार और आए हैं यहाँ, ये आप सामने देख पा रहे हो गाड़ी के बिल्कुल बाजू में जाते हुए। ये देखिए इनमें कुछ हनुमानगढ़ के लोकल न्यूज वाले हैं और एक रिपब्लिकन भारत वाले हैं अपना जो पास है वो लेते हुए। और मुझे नहीं लगता इनकी एंट्री अब होने वाली है क्योंकि ये काफी लेट हो चुके हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक समय सीमा होती है, टाइम पे पहुंचना होता है। और दोस्तों इनको यहां रोक दिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, इनकी एंट्री अभी नहीं होने वाली क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जी है उनकी पूजा अर्चना हो चुकी है और वो मंदिर से बाहर आने वाले हैं। ये देखिए गाड़ियों में जो हलचल है वो चालू हो चुकी है। एक दो गाड़ियां हैं वो, ये देखिए दोस्तों जो गाड़ियां हैं वो निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। ये उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सबके सब मंदिर से बाहर आते हुए। और अभी जो गाड़ी है वो आने वाली है कलेक्टर साहिब बाहर आ चुके हैं। कपड़ा आगे कपड़ा मान लो।
पुलिस की गाड़ी जो मंदिर के ऊपर थी दोस्तों वो नीचे उतर चुकी है। आप लाइव दृश्य वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म के साथ देख रहे हो बागड़ धाम से, और ये आ चुकी उपराष्ट्रपति जी की गाड़ी। चलिए और जूम करके आपको नजदीक से व्यू दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए दोस्तों, जनता का अभिवादन करते हुए आजू बाजू में जो पब्लिक खड़ी है उनका हाथ जोड़कर, आज बागड़ धाम में अपनी पत्नी के साथ यहाँ जहरवीर गोगा जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़। और काफिला आप निकलते हुए देख पा रहे हो, दर्शन होने के बाद वापस ये हेलीपैड जाने वाले हैं। ये देखिए काफी स्लो गाड़ी चल रही है इनकी, सबका अभिवादन करते हुए। दोस्तों समय की बात करें तो 10:50 हुए हैं अभी, मतलब जो काफिला है वो 5 मिनट में वापिस हेलीपैड पहुंचने वाला है, वो हेलीकॉप्टर है वो वापिस उड़ान भरने वाले हैं। ये नजदीकी एयरफोर्स सूरतगढ़ से यहाँ पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ से 50 किलोमीटर आगे जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहां से उड़ान भरी है इन्होंने। और दोस्तों जो भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं उनकी जो लाइन है उनको रोका गया था वो वापिस चालू कर दी गई है। ये देखिए जो भक्त है वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे बाबा के दर्शन के लिए, उनकी लाइनें यहाँ खोल दी गई हैं और भक्त मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, और जो काफिला है दोस्तों वो पीछे वापिस हेलीपैड की ओर लौट रहा है। ये देखिए बागड़ के मंदिर के बिल्कुल नजदीक का व्यू दिखा रहा हूँ, जितने भी भक्त यहाँ पहुंचे हुए थे आजू बाजू रुके हुए थे वो सबके सब यहाँ मंदिर के सामने आ चुके हैं और लाइनें हैं वो वापिस स्टार्ट हो चुकी है। काफी सुंदर दृश्य है, पूरी की पूरी कवरेज मैंने आपको आज यहाँ की दिखाई है। और ये देखिए दोस्तों काफी लंबा काफिला है, आओ जाओ प्रसाद ले जाओ। और ये मंदिर के आगे दोस्तों लाइनें चालू हो चुकी है दंडवत, काफी भक्त यहाँ दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल है दोस्तों वो नॉर्मल हो चुका है, कुछ देर पहले तक यहाँ जो प्रोटोकॉल था उसको देखते हुए लाइनें बंद थी। ये देखिए दोस्तों जो नन्ना भक्त है वो कुछ देर में दर्शन के लिए जाने वाला है, और हेलीकॉप्टर दोस्तों वो आप पीछे देख पा रहे हो उड़ान भर चुके हैं, एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली है। दूसरा भी उड़ान भरने वाला, ये देखिए दोस्तों दूसरे ने भी उड़ान भर ली है, अभी एक हेलीकॉप्टर और बाकी बचा है। चलिए उसका भी व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पेड़ के अभी पीछे है ये आ चुका है, ये देखिए दोस्तों दूसरा हेलीकॉप्टर। एक वो आगे जाते हुए, और तीसरे ने भी उड़ान भर ली है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों पूरी की पूरी कवरेज है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप जी धनखड़ आज बागड़ पहुंचे हुए थे। ये देखिए दोस्तों जो बैरिकेटिंग है उनको भी अभी खोल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार।